दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट रेंडर करवाए थे जेएसएक्स के से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में हम लोगों को एक्सप्रेशन कैसे प्रिंट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहला जो है टॉपिक हमारा वो है कि एक्सप्रेशन इन जेएसएक्स, मतलब एक्सप्रेशन से क्या तात्पर्य है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, या आपको कोई कैलकुलेशन करवानी है 2 × 5 या कुछ इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करवाना है, तो वो हम किस तरीके से करवा सकते हैं एचटीएमएल के साथ। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि अगर हमको कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है ना लार्ज एलिमेंट, जैसे यूएलएलआई हमको बनानी है, तो यूएलएलआई को हम किस तरीके से बना सकते हैं इसके अंदर, ये दूसरी बात हो गई कि यूएलएलआई कैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद में हमको बताना है कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन है रिएक्ट के, है ना, कि रिएक्ट जो है वो कैसे चलता है। रिएक्ट चलता है मतलब स्ट्रिक्ट मोड में चलता है। तो जैसे हमने कोई इनपुट एलिमेंट बनाया, तो इनपुट एलिमेंट अगर हम उसको टेक को ओपन कर रहे हैं तो हमको टेक को क्लोज भी करना पड़ेगा। ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन रिएक्ट के साथ में है, तो वो हमको देखेंगे। ये तीन हमारे आज के टॉपिक है जिसको हमको देखना है। तो हम लोग पहले चलते हैं कि एक्सप्रेशंस किस तरीके से लिखते हैं अपन जेएसएक्स के अंदर, वो अपन देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल बनाया था, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने वो फाइल को ओपन कर ली, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम प्रिंट करवाना है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखा है, जिसको एक वेरिएबल लिया मैंने लेट नाउ। नाउ के अंदर मैंने क्या किया, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे डेट और टाइम प्रिंट करवाना है यहाँ पे, करेंट डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट ऐसे करके, और मेरे को यहाँ पे आगे टाइम और डेट की जो वैल्यू है वो मुझे दिखनी चाहिए, तो मैं करवाता हूं। तो मैंने क्या किया कि डेट और टाइम करवाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बी टेक लगा दिया, है ना। इसको प्रिंट करने के लिए मैंने एक बी टेक लगा दिया। बी टेक लगाने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ये एक वेरिएबल है ना, तो इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, नाउ डॉट टू, है ना, टू लोकल स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल है, फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसको मैं कॉल कर लूंगा। टू लोकल स्ट्रिंग को मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा टू लोकल स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि करेंट डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे जाके मैं टू लोकल स्ट्रिंग में ले जाके इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन किया और कर्ली ब्रेस बंद किया। कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आ गया। यहाँ पे एक स्पेस और हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस और दे दिया। तो ये एक स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये करेंट डेट एंड टाइम, यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम, और ये करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई एक्सप्रेशन मतलब मेरे को अगर ये प्रिंट करवाना है यहाँ पे कि 2 × 5 तो कितना होगा 10, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 10, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 10। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमको कर्ली ब्रेस ओपन करना होगा और कर्ली ब्रेस बंद करना होगा, और इसके बीच में वो कोड हमको लिखना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब हमको देखना है कि कोई भी लार्ज एचटीएमएल ब्लॉक कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि वही एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल है, यहां से मैंने इस एग्जांपल को वीएस कोड में ओपन किया, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन, मेन फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे रिटर्न एलिमेंट करवाया है ना। अब अगर हमको कोई ऐसा ब्लॉक ऐड करना है जिसमें कि एक से ज्यादा लाइन है, मतलब यूएलएलआई का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने लिया लेट, और क्या लिया यहाँ पे माई एलिमेंट, जो कि मेरा वेरिएबल है वही मैंने लिया। ये लेने के बाद में मैं यहाँ जाऊंगा और जिस तरीके से फंक्शन कॉल करते हैं वो उस एलिमेंट को मैं यहाँ कॉल करूंगा, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसको लेने के बाद मेरे को ULLI बनानी है, तो लाइक्स मेरे को सिटी के नाम देने ULLI में, तो मैं क्या करता हूँ UL बनाता हूँ, है ना। UL के अंदर मैं बनाता हूँ LI, और कितनी LI बनाता हूँ, 3 LI बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ULLI बनाया। इसमें मुझे सिटी के नाम देने हैं, तो मान लीजिए मैंने दे दिया इंदौर, है ना, फिर मैंने दे दिया लाइक भोपाल, और एक और सिटी का नाम मैंने दे दिया लाइक जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अब ये क्या होगा, ULLI बन गया, ULLI माई एलिमेंट में आ गया, और हमने यहां से माई एलिमेंट को रिटर्न करवाया। अब अपन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, तो ये तीनों सिटी के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हमको JSX में लार्ज ब्लॉक रेंडर करवाना है, तो हम इस तरीके से मल्टी लाइन में कर सकते हैं। एक तरीका और है, अगर हमको ऐसा एलिमेंट जिसमें कि तो हम लोग इसको एक मेन डिब में बंद करके और पूरे के पूरे डिब को भी रेंडर करवा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ULLI का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से हम लोग लार्ज HTML ब्लॉक को यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि जिस तरीके से एलिमेंट मस्ट बी क्लोज, इसका क्या मतलब है ना। एलिमेंट मस्ट बी क्लोज का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उसमें कुछ एरर भी आती है ना। तो कुछ एरर हमारी जावास्क्रिप्ट या ब्राउजर हमको एरर नहीं देता, हमारा कोड चल जाता है। लेकिन लेकिन JSX के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि JSX क्या है, JSX जो है हमारा वो एक स्ट्रिक्ट मोड में चलता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे को कोई कोई इनपुट एलिमेंट बनाना है ना, इनपुट एलिमेंट बनाना है, तो ये मान ले मैंने इनपुट एलिमेंट बनाया, ठीक है। अभी ये इनपुट एलिमेंट बनाया मैंने, और इसको रन करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एरर आ रहा है मेरा। तो मैंने क्या किया, एक डिब बनाया, ठीक है, और इस डिब के अंदर मैं यूएल और इनपुट एलिमेंट दोनों को कर दूंगा ऐड। तो मैंने एक डिब बनाया, ये डिब एलिमेंट हो गया, है ना। इस डिब एलिमेंट के अंदर मैंने ये बनाया यूएल, ये मैंने एक HTML एलिमेंट बनाया, और यहाँ पे इस यूएलएल को यहाँ से मैंने कट किया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्या एरर है यहाँ पे, डिब इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे ये डिब हो गया, और यहाँ पे ये डिब हो गया मेरा, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है कि HTML टैग ओपन हुआ है, तो HTML टैग क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये यहाँ पे एरर देगा, सिंटेक्स एरर दे देगा, ठीक है। तो जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा, ये रिएक्ट के साथ रूल है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैग को ओपन कर रहे हैं, तो इनपुट बॉक्स को हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हम लोग क्लास का नेम दे सकते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मान लीजिए क्लास देना है, तो क्लास एट्रीब्यूट, इसमें क्लास एट्रीब्यूट का नाम क्लास नेम है। क्लास नेम इसलिए है क्योंकि क्लास मतलब ऑब्जेक्ट वाली क्लास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट का नाम चेंज किया है। तो अगर मेरे को किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर क्लास देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम, और क्लास नेम इज इक्वल टू, मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। अब इसको मैं रन करता हूँ कोड को, तो यहाँ पे क्लास नेम मैं देखूंगा, तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रूट आ गया, ये आ गया, क्लास इज इक्वल टू टेस्ट। तो अगर मेरे को किसी एट्रीब्यूट के आगे क्लास लगाना है, तो मैं क्लास नेम लगाऊंगा, और ये केबल केस में होगा, केबल केस में होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना चाहते हैं ना, तो आपको ये ऑन और क्लिक केमल केस में इसको लिखना पड़ेगा, कि जो सेकंड वाला नेम है उसमें पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। इस तरीके से हम लोग केमल केस फॉलो करेंगे यहाँ पे, तब जाकर ये काम करेगा, नहीं तो रिएक्ट क्या करेगा, एरर दे देगा। तो ये कुछ चेंजेस है, जैसे HTML एट्रीब्यूट के नाम चेंजेस है, पैटर्न चेंज है नेम का, और जैसे ऑन क्लिक हो गया है, क्लास
है ना, ऑन क्लिक में हम लोगों को केमल केस फॉलो करना पड़ेगा रिएक्ट के केस में। नॉर्मल एचटीएमएल में हम ऐसा नहीं करते थे तो चल जाता था, लेकिन रिएक्ट के साथ ऐसा नहीं है।